क्लास आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? ठीक यस मैम, आ रही है। है। अच्छा, हम लोग ना 12:40 पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लाइक 3 मिनट्स रह गया। आप लोग बाकी बच्चों को भी मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है? लाइक आफ्टर 3 मिनट्स, ठीक है? ओके मैम। चलो ओके। यार बच्चों, आज ये पहली क्लास है ना? जी मैम, जब पहले आपने इंट्रोडक्टरी क्लास ली हाँ थी। जी बेटा, मैं इधर ही हूँ। बस यार बच्चों, मैं अभी इधर ही हूँ। हाँ जी, पहली क्लास है बेटे। ओके मैम। ये आज हम बेसिकली पढ़ेंगे ज्यादा वही जो आप लोगों ने ऑलरेडी हिंट, ज्यादा बच्चों ने पेशेंट सेफ्टी प्लान पढ़ा हुआ है या नहीं? यस मैम, पढ़ा पढ़ा हुआ हुआ है, है। पढ़ लिया। पढ़ लिया है। तो आज बेसिकली जो आज वाला हमारा लेक्चर है ना, वो ऑलमोस्ट यही समझो आप, जिस तरह की हमारा पेशेंट सेफ्टी वन वाला ही, मतलब उससे रिलेटेड ही लेक्चर होगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है ना, हम लोग करेंगे पेशेंट सेफ्टी टू। मैम ओके मैम, जिनका क्लैश आ रहा है इस सेक्शन के साथ, मैंने अफनान सर को मेल की थी, वो कह रहे थे अपने रिसोर्स पर्सन से बात कर रहे हैं। हाँ, आप मुझे ना यूं करो कि, या आप यूं कर लिया करो कि ऑल्टरनेट लेक्चर दे लिया करो। लाइक मैं अटेंडेंस आपकी माफ कर दूंगी, या मुझे अपना नाम भेजो, ठीक है? आप प्रूफ भेजो कि आपका क्लैश आ रहा है। जी मैम, ओके मैम, तो मैं मेल कर देता हूँ आपको। हाँ, मुझे मेल कर दो ना। आप यूं कर लिया करो कि अपनी दूसरी टीचर से भी बात कर लो जो जी मैम, आपको पेशेंट सेफ्टी वन पढ़ा रही है ना? वन जी मैम, पढ़ा रही होगी ना वो, तो हाँ आप यूँ जी, करो, उनसे भी बात कर लो। और आप फिर मेरी, आप ऑल्टरनेट वीक्स में हम लोग भी कर लो। जैसे एक वीक मेरी ले लो, एक वीक उनकी ले लो, और मुझे बस अपना नाम और साथ प्रूफ वगैरह लगा के भेज दो, ठीक है? तो मैं फिर आपको कॉल मतलब लगा दूंगी आपके। ओके ओके चलो, ओके मैम। अभी करते हैं स्टार्ट।
ठीक है बेटा, आपकी क्लास में टोटल 170 समथिंग स्टूडेंट्स आर, आज सिर्फ 95 स्टूडेंट्स आए हैं, क्यों इसकी रीजन? मैम शायद बच्चों ने एलएमएस और ईमेल्स नहीं चेक की होंगी। चलो फिर आप लोगों का कोई अपना ग्रुप तो होगा ना, कोई ग्रुप वगैरह होगा तो उसमें आप लोग थोड़ा सा कर लेना। मैम वहाँ पे लिंक शेयर कर दिया ग्रुप में, मैम कर दिए लिंक शेयर वहाँ। ठीक है चलो, आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने पेशेंट सेफ्टी 1 पढ़ा हुआ है, वो हैंड रेस करें क्योंकि आज हमें फिर वही पढ़ाएंगे। सना और हैंड रेस करो सारे बच्चे। आज जो हमारा लेक्चर है ना वो बेसिकली पेशेंट सेफ्टी 1 ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोनों का सेम ही होगा 1 और 2 का। ठीक है काफी बच्चों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है और बेसिकली बात ये है कि अगर आप लोगों ने ड्यूरिंग लेक्चर कोई क्वेश्चन हुआ या आप लोग कुछ बताना चाह रहे हो ठीक है तो आप लोग हैंड रेस करना। और ये है कि मैं भी ड्यूरिंग लेक्चर जो है मैं पूछूंगी क्वेश्चंस। ठीक है मतलब मैं जिस तरह जब पढ़ाती हूँ ना तो इंटरैक्टिव सेशन मेरा होता है, लाइक मैं ये नहीं करती कि सिर्फ पढ़ाती रहूँ और आगे से पूछूँ ना, मैं आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है लाइक मैं पूछूंगी कि आप लोगों ने मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ओके मैम, ओके मैम। मेरा नाम आप लोगों को नाम तो पता लग ही गया होगा कि मेरा नाम डॉक्टर रूप छात्र है। ठीक है और मैं एक्चुअली मैं डेंटिस्ट हूँ। ठीक है आई हैव डन माय बीटीएस फ्रॉम सीएमएस लाहौर मेडिकल कॉलेज और राइट नाउ आई एम डूइंग माय एमफिल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड आई एम डूइंग माय एमफिल इन फार्माकोलॉजी। आप लोगों में से किसी ने अभी फार्माकोलॉजी पढ़ी है या नहीं पढ़ी? यस मैम पढ़ ली है मैम फार्मा 1 अच्छी थी, 2 बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी मैम, दोनों अच्छी थी, दोनों अच्छी। हाँ मुझे खुद फार्माकोलॉजी बहुत पसंद है इसलिए वैसे मैं डेंटिस्ट हूँ लेकिन मैंने अपना एमफिल फार्मा में अभी मेरा। मैम आप चली गई थी यहाँ पढ़ाती तो अच्छी लगती टीचर अच्छे हो तो फिर हाँ ये होता है कि टीचर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लाइक मुझे तो खुद वो वाले सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं जिनमें टीचर्स अच्छे होते हैं, लाइक इंटरैक्टिव वगैरह वाले। मैम टीचर अच्छे हो जिनकी समझ आ जाए तो फिर आसान होता है सारी चीजें। यस मैम आप होती तो फिर ज्यादा अच्छी लगती फार्मा 2 भी। नहीं मैम सुपर टीचर अच्छी थी वैसे, मेरे से वैसे आपने पढ़ी ही नहीं, मतलब मुझे मैंने तो पैथो 2 भी पढ़ी थी आपसे, उसके बाद नेट भी छोड़ के चली गई थी। मैम फिजियोलॉजी 2 अच्छी पढ़ाई थी आपने। अच्छा वैसे तब मैं सच बताऊँ तो तब मुझे कोई बहुत अच्छी नहीं आती थी, सॉरी अल्लाह की, लेकिन आज पढ़ी तो हुई थी मैम। लेकिन आप ना पढ़ाते हुए क्लास में लेक्चर याद करवा देती थी इसलिए सब कुछ याद हो जाता था। हम भी देख ले, कल को यूनिवर्सिटी में नजर आए तो हमें याद, हमने पेशेंट सेफ्टी आपसे पढ़ी थी। तुम लोगों ने मैम से पढ़ी थी नेट में जब मैम छोड़ के चली गई थी, मैम अब्दुल्ला आ गई थी। चलो मुझे ये नहीं पता कैमरा तो ऑन कर दो लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे देखना किस तरफ है, मुझे नहीं पता। मैम कैमरे की तरफ देख रहे हैं, मैम आप कैमरे की तरफ देखिए मैम, कोई मसला नहीं है। मैम आप ऑन करके कुछ बता, हमने भी पढ़ा है आपके पास। चलो मेरे पास ज्यादा अच्छा तैयार होके आऊंगी फिर कैमरा ऑन कर लेती। चलो पता नहीं मैम हम नहीं जज कर रहे मैम, पता नहीं मुझे नहीं पता कि किस तरफ कैमरा, मुझे अपना आप भी नहीं नजर आ रहा, लाइक पता नहीं मैं कैसे, मैम कैमरा भी ऑन था ऑफ हो गया दोबारा, मैम आप कैमरा ऑन कर भी कहीं भी देख ले मैम, नीचे ऑप्शन होगा साथ। हाँ चलो ठीक है, तुम लोगों ने मेरे भी ऑन किया था निकलवाना है, अगर कोई आ गया इन्होंने देख लिया ना ये क्या हरकतें करती है मेरी, कोई बात नहीं तुम लोगों को मैं पहचान ही जाऊंगी मेरी आवाज से, मैं हर जहाँ भी बैठी होती हूँ ना मैं बहुत ऊंचा ऊंचा बोलती हूँ तो आप लोग नहीं। मैम मैम ये बहुत मसला है, मैम ऑडियो वीडियो मैच नहीं करती होती, हमारे साथ लास्ट टाइम भी सामना हुसैन के साथ यही हुआ था। यस मैम इसमें वैसे भी ना आवाज थोड़ी सी डिफरेंट लगती है।
करूं? नहीं मैम आपकी सेम ही है वॉइस। मैम आप काइंडली दीदार करा दे। अच्छा रुको मुझे देखने था दो के मतलब मुझे ये नहीं एक सेकेंड मेरी स्क्रीन भी पॉज हो गई है शेयर होते होते तुम लोगों ने वहां पर आप क्या हो। अच्छा रुको मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि अगर मैं वीडियो ऑन करती हूँ तो मैंने किस तरफ देखा है लाइक तुम लोगों को मैं नजर आ रही हूँ मुझे नहीं समझ आ रही। मैम आप ऐसे घूमते रहे क्लास में घूमते रहे ऐसे मैम ये ऐसे ही आपको तंग कर रहे हैं जी। मैम नजर आ रही है मैम आपने ऑरेंज कलर का सूट पहना हुआ है तो आप डायरेक्ट हमारी तरफ देख रहे होंगे। अच्छा नजर आ रही है नहीं मैम हमें नजर नहीं आई आप ये बोल रही है बीच में ये सामने आ रहे लोग लोग इतना आपको देखने के लिए तड़पे हुए हैं मैम। चलो कोई बात नहीं मेरी आवाज है सुन लो इतने घर से तो फिर यूनिवर्सिटी आओगे तो खुद ही देख लेना। मैम यूनिवर्सिटी कोई नहीं ओपन होनी स्पेशल मैम कल आप कल तैयार हो के आ जाए कल तैयार हो के आ जाए कल दिखा दो लेक्चर पढ़ो। चलो शाबाशी क्योंकि मैं बच्चे ये कहेंगे पता नहीं क्या ये मैडम आ गई है दबाव खराब किया। चलो अच्छा बेसिकली आज ये आप लोगों ने जिन जिनों ने पेशेंट सेफ्टी 1 पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ये लेक्चर आसान होगा क्योंकि ये बेसिकली वही है मतलब इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही है क्योंकि पेशेंट सेफ्टी 1 और 2 ऑलमोस्ट सेम है बस 2 जो है वो 1 की कंटिन्यूएशन है जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो हम देखते हैं कि पेशेंट सेफ्टी 1 जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ऑब्वियसली लेक्चर आता है ऑलरेडी आता है ये लेक्चर ठीक है तो वो भी बीच में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लाइक वो भी बता सकते हैं अगर उन्होंने कुछ बताना है लेकिन पहले हैंड रेज कर लेना ताकि फिर मैं आप लोगों से खुद पूछूंगी। ठीक है मैम मैं रियली सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूं मैम आपका एक लेक्चर पहले हो चुका है। नहीं ठीक है मैम ये फर्स्ट है ना ये फर्स्ट है लास्ट लेक्चर में ना बेटा बच्चे ही नहीं आए थे क्योंकि वो मैंने बहुत ही अचानक से ये किया था कि उनसे कह दिया था कि जी लेक्चर नहीं और ये सैयदा उस्मा जी बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है कोई क्वेश्चन है आपका। नो मैम वो आपने कहा था ना सभी का हैंड रेज है। नहीं हैंड रेज मैंने कहा है कि जब कोई बात लाइक जब अच्छा मैं पहले मैं पढ़ाती हूँ थोड़ा सा ठीक है फिर मैं पूछूंगी और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं तो आप लोग पूछ लेना अभी थोड़ा सा पहले पढ़ ठीक है जी। अच्छा बेसिकली पेशेंट सेफ्टी होता क्या है ठीक है पेशेंट सेफ्टी जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि पेशेंट की आपने सेफ्टी का ख्याल रखते हैं कि पेशेंट का आपने किसी सूरत का कोई हार्म वगैरह नहीं होता होने देना ठीक है या ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये कोशिश करनी है कि पेशेंट को मिनिमम हार्म हो क्योंकि ऑब्वियसली एक पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो आपने उसको ट्रीट कर मतलब वो इसलिए आपके पास आते हैं कि आप उसको अच्छा ट्रीट करो ठीक है कि आप उसको जो बीमारी है उसको खत्म करो। अब आप साथ ये ना करो कि आप कोई नेग्लिजेंस ऐसे कर लोगे जिसकी वजह से पेशेंट को फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप देखो कि अगर आप एक क्लिनिकल सेटिंग में बैठे हुए हो ये वैसे एग्जाम्पल है और कोई पेशेंट आपके पास आया है ठीक है और आप उसको एंटीबायोटिक गलत लिख देते हो लाइक उसकी कंडीशन कोई और है और आप उसको गलत एंटीबायोटिक लिख देते हो तो देखो ये कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है आपकी तरफ से कि आपने उसको गलत एंटीबायोटिक दे दिया ठीक है। अब उसमें ये है कि इससे तो अब पेशेंट को फायदा होने के बजाय हार्म होगा कि एक तो वो एंटीबायोटिक्स भी ले रहे हैं और वो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली भी लेंगे ठीक है। अब इसमें यही है कि आपने बेसिकली पेशेंट सेफ्टी ये है कि आपने जितना हो सकता है ना पेशेंट की सेफ्टी का ख्याल रखना है और जितनी कोशिश करनी है कि हार्म से उसको प्रिवेंट करें ठीक है। पेशेंट सेफ्टी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिवेंटेबल हार्म टू अ पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेल्थ केयर एंड रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ अननेसेसरी हार्म एसोसिएटेड विद हेल्थ केयर टू एन एक्सेप्टेबल मिनिमम। क्या आपने यही कोशिश करनी है कि पेशेंट को मिनिमम से मिनिमम हार्म कि पेशेंट को बेसिकली हार्म हो ही ना सिर्फ आपसे फायदा हो। जिस तरह अगर आप कोई सर्जरी वगैरह भी कर रहे हो तो उसमें आपने यही कोशिश करनी है कि आप जो आपका ऑर्गन जिस पे आप ऑपरेट कर रहे हो या फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अगर मैं डेंटिस्ट हूँ तो मैं एक दांत अब मैं ये ना करूँ कि अपने बेनिफिट के लिए मैं करना शुरू हो जाऊँ कि पेशेंट को कहूँ कि जी आपका सात वाला दांत भी खराब है सात वाला भी अपने पैसे बटोरने के लिए या मैं यूँ करूँ कि पेशेंट की सही तरह से फिलिंग ना करूँ मैं थकी हुई हूँ और मैं सही तरह से उसका प्रोसीजर ही ना करूँ ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप सही तरह से प्रोसीजर नहीं करें तो पेशेंट को इवेंचुअली पेन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये अच्छा पेशेंट सेफ्टी को ना बहुत ज्यादा अंडररेट किया जाता है जिस तरह आप ये देखोगे ज्यादा जगहों पे इसको पढ़ाया भी नहीं जाता जबकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आपने पेशेंट की सेफ्टी का खास ख्याल रखना है ठीक है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने बेसिकली यही पढ़ना है कि हम कैसे जो है
मिनिमाइज कर सकते हैं एक पेशेंट को हार्म, एक पेशेंट को हार्म ना हो, ठीक है। और ये कि उसमें बेसिकली रिकवरी उसकी मैक्सिमम हो, कोई भी उसको बीमारी है तो उसमें रिकवरी उसकी मैक्सिमम हो, और ये कि इसका हमने मिनिमाइज करना है, हार्म को हमने मिनिमाइज करना है और उसकी रिकवरी को मैक्सिमाइज करना है। और कोशिश ये करनी है कि हमारी किसी भी हरकत की वजह से जो है ना पेशेंट को कोई भी हार्म ना हो। या फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कि जब हम कोई दवाइयां वगैरह पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम ये ना करें कि हम दो तीन ड्रग्स ऐसी दे दें जिनका मतलब पेशेंट को तो नहीं ना पता कि क्या फार्माकोलॉजी है उसकी या क्या, तो आपको तो पता है कि दो ड्रग्स जो है वो आपस में उनकी क्या इंटरेक्शन तो नहीं है एक दूसरे से, या पेशेंट अगर पहले कोई मेडिकेशन ले रहा है तो अभी जो हम दवाइयां दे रहे हैं उससे कोई हार्म ना हो पेशेंट को, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स मैं वैसे दे रही हूँ, आपने जो स्लाइड्स में आपको वो चीज आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही होगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स में ये है कि आपने पेशेंट सेफ्टी जो जब भी आप किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग डीएनएस हो, डीपीटी हो और एमआई वगैरह वाले आप किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में जाते हो तो आपने इसकी जो प्रिंसिपल्स है पेशेंट सेफ्टी के उसको अप्लाई करना है अपने क्लिनिकल सेटिंग्स में। और उसके बाद ये है कि आपने ये देखना है कि पेशेंट सेफ्टी का क्या रोल है हेल्थ केयर डिलीवरी का, ठीक है। अब समझ आइए पेशेंट सेफ्टी असल में है क्या, पूछ लो किसी से भी मैम। हम इसमें देखते हैं कि पेशेंट को जो हार्म है वो कम से कम हो, और अगर हम उसे कोई ड्रग वगैरह दे रहे हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि दो अगर दो ड्रग साथ दे रहे हैं, अगर पेशेंट पहले से ही कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसके साथ जो हम ड्रग दे रहे हैं उसकी इंट्रेक्शन ना हो, और अगर उसे कोई सेवेरिटी की तरफ नहीं लेके जाना, हमने उसे प्रिवेंशन की तरफ लेके जाना। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने पहले पढ़ी है पेशेंट सेफ्टी 1 पढ़ी है या नहीं? यस मैम पढ़ी है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड। आज का वैसे भी लेक्चर जो है वन से ही रिलेटेड है क्योंकि बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अच्छा आप बेसिकली क्या जी बेटा जी जी मैम इसमें एक और पॉइंट भी तो ऐड होगा ना कि जो एग्जामिनेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स या चीजें यूज होती हैं उनकी स्टरिलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड, बिल्कुल ये पॉइंट आएगा। ये कौन बोल रहा है जरा मुझे प्लीज अपना साथ साथ नाम भी बता दो। मैम आयशा, आयशा सुमैया। हाँ एग्जैक्टली, बेसिकली ऑब्वियसली ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके देखो इंस्ट्रूमेंट से स्टेरिलाइज नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कि ज्यादातर ये कहा जाता है कि जो हेपेटाइटिस सी है उसका ये कहा जाता है कि वो ज्यादातर क्लिनिक्स वगैरह से होता है, जिस तरह स्पेशली डेंटिस्ट्री के कि कोई बंदा कहता है कि मैंने ये इलाज करवाया था, मैंने स्केलिंग कराई थी या मैंने रूट कैनाल करवाई थी तो उसके बाद मुझे ये हुआ। अब उसमें ये होता है कि पहले सही तरह से ऑटोक्लेव भी नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक पेशेंट के बाद इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव भी नहीं कराए और आपने अगले पेशेंट पे भी वही वाले इंस्ट्रूमेंट चला लिए तो ऑब्वियसली उसका ब्लड और सैम्पल आपने सही तरह ऑटोक्लेव भी नहीं हुए, ठीक है। तो आपने वही गंदे इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप दूसरे पे यूज करोगे तो ऑब्वियसली इसका एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट होगा पेशेंट पे। तो मैम ऐसे पेशेंट को लास्ट पे करना चाहिए ट्रीटमेंट ना, क्योंकि ये मैंने कहा ऐसे पेशेंट का लास्ट पे ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि किसी और को ना लगे बीमारी। हाँ अगर कोई इस तरह का पेशेंट आए, वेरी गुड। ये आप कौन बोला है मुझे साथ साथ अपना नाम भी बता दो क्योंकि आप लोग मेरे सामने तो बैठे नहीं हो तो मुझे आप नाम बताना। ये कौन बोला है? ज़ैनब। सना शहजादी। सना शहजादी, एग्जैक्टली। अगर कोई देखो हेपेटाइटिस सी का पेशेंट आ गया है या कोई कंटेजियस डिजीज का पेशेंट आ गया तो उसका आपने ट्रीटमेंट जो है वो उस दिन के लास्ट पर अपॉइंटमेंट उसको देखनी है, ठीक है, ताकि ये कोशिश करें कि उसकी इंस्ट्रूमेंट्स किसी और पे ताकि यूज होने के चांसेस सबसे ज्यादा मिनिमम हो। वेरी गुड। आप लोगों ने पढ़ी नहीं है सना? आपने पढ़ी नहीं है पेशेंट सेफ्टी 1? यस मैम। मैम इसके अलावा सर्जरी भी तो ऐसी करनी चाहिए ना कि पेशेंट को नुकसान ना हो, जिस मोस्ट टाइम सुनने में आते हैं कि सर्जरी की और उसकी वजह से उसके इंस्ट्रूमेंट से इवन सर्जरी करते हुए अंदर ही रह गए बॉडी के, और सेकेंडली कट ज्यादा ना हो, मिनिमस कट होना चाहिए, न्यू टेक्निक यूज कर लेनी चाहिए। वेरी गुड। ये हिरा खान आप बोल रही थी ना? यस मैम। हाँ एग्जैक्टली, ये भी अभी हम आगे देखते हैं इस लेक्चर में। यही चीज है कि ये ना हो, मैं आपको बताऊँ कि ये एक रियल आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि हमारी ना एक मेरी मामा की कोई दूर की रिश्तेदार है वो गायनोकोलॉजिस्ट थी,
और आप सोचो कि उन्होंने तब इतना ज्यादा, जिस तरह आज से बहुत साल पहले आपको पता है कि बहुत कम डॉक्टर्स होते थे, लाइक बहुत कम गायनोकोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सी सेक्शन किया, उसके बाद आप ये देखो, पता नहीं मैं बता रही हूँ चाहे बेचारी की रफ्तार ही ना हो जाए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना एंड पे छोटा सा टावल, सोचो उस वो जो औरत थी जिसकी मतलब सी सेक्शन लिखा हुआ, उनके टावल रख दिया सोचो, और बंद कर दिया, स्टिचेस लगा दिए। अब सोचो अल्लाह माफ करे उस औरत, शुक्र है उसकी जान बच गई, वो तो घर जाते सार उसकी तबीयत जो है खराब होना शुरू हो गई। अब देखो इतनी बड़ी नेग्लिजेंस, मतलब इतनी बड़ी नेग्लिजेंस, आजकल तो खुदा वो तो तब उस जमाने में मीडिया वगैरह इतना फास्ट नहीं था, वरना आपको पता है कि आजकल तो थोड़ा सा भी कोई ऐसी बात हो तो मीडिया ही बहुत ज्यादा शोर मचाना शुरू कर देता है कि जी वहां पे। और ये कि आजकल शुक्र है लोगों में अवेयरनेस वगैरह भी बहुत ज्यादा आ गई कि कोई प्रोसीजर वगैरह कराने जाता है तो वो पहले ही, मतलब वो बेसिकली पहले ही, वो पेशेंट्स को भी आजकल बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, वो मुंह उठा के नहीं चले जाते। और ये कि अगर डॉक्टर देखो ऐसे करे, अब पेशेंट भी जा रहा तो होश में नहीं है, तो आज एक डॉक्टर की नर्व्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है नॉलेज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब इसके ये वाला, अब आप लोगों ने बेसिकली, अब ये है कि आपने एक ये चीज देखनी है कि आपने बेसिकली हार्म का देखना है कि किन किन चीजों से, जिस तरह अभी बात हुई है हमारी, जिस तरह अभी बच्चों ने बताया है कि कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह अगर अटैच है, और ये तो आप देखना ये देखना है कि आपने ओवरऑल ये देखना है कि अगर आप किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी वगैरह में जा रहे हो, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आप क्या क्या चीजें हैं कि जिससे आप हार्म को एक तो मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपने ये देखना है कि आपका मतलब ये कि ब्लेम कल्चर, आपको पता है कि ये नहीं आपने करना कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नेग्लिजेंस हो गई है तो आप अब ये ना करना शुरू कर दो कि आप ब्लेम, जिस तरह हमारे सोसाइटी में हर बंदा ये कोशिश करता है कि बस अपनी जान छुड़वाए चाहे किसी पे भी ब्लेम आ जाए, ठीक है, बस हर कोई बंदा ना अपने आप को बचाने पर लगा हुआ है। तो आपने बेसिकली ये नहीं करना कि आपने ये कोई अगर गलती या कोई नेग्लिजेंस वगैरह हो गई है तो आप किसी और को ब्लेम करना शुरू कर दो। आपने ओवरऑल देखना है, सिस्टमैटिकली हर चीज को देखना है, डिफरेंट आपने पूरे सिस्टम में देखने की ओवरऑल ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से नेग्लिजेंस हुई है, ठीक है। ओवरऑल आपने जो हेल्थ केयर, जहां भी आप जा रहे हो किसी क्लिनिक में, किसी आप हॉस्पिटल की सेटिंग में जा रहे हो, तो आपने बेसिकली ये चीज देखने की ऐसी क्या, मतलब ओवरऑल वहां के सिस्टम किस तरह के हैं, या वहां पे इन लोगों ने कैसे डिजाइन किया हुआ है कि नेग्लिजेंस वगैरह कहीं उस सिस्टम की वजह से तो नहीं हो रही, या उस सिस्टम की वजह से नहीं हो रही तो फिर कहीं उस डॉक्टर की वजह से तो नहीं हो रही। मतलब ये कि आपने कोशिश ये करनी है कि ओवरऑल देखो हर चीज को, ये नहीं अपने जेब में रखना कि किसी और जो आपका कॉलीग है आपकी उससे नहीं बनती तो आप ब्लेम गेम ना स्टार्ट कर दो कि एक बंदे को। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी हॉस्पिटल की सेटिंग में कोई इस तरह कोई इमरजेंसी हो गई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट को एंजाइना का अटैक हो गया या कोई इस तरह लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कोई होगी और उसको फॉरन किसी मेडिसिन रिक्वायर्ड है कोई, उसको अब देखो आप उस हॉस्पिटल की सेटिंग में, वैसे तो वो हॉस्पिटल बड़ा प्यारा बनाया किसी ने बहुत हर चीज, लेकिन आप ये देखो कि अगर वहाँ पे ये फैसिलिटी या कोई एंजाइना की मेडिसिन जो है, ये सब लिंगुअली देते हैं एंजाइना में, आप ये देखो कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो अगर अवेलेबल ही नहीं है उस वाले हॉस्पिटल की फार्मेसी में, तो आप ये देखो कि आप नेग्लिजेंस किस तरफ है। अब ये हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस है ना कि उनकी फार्मेसी में ऐसी दवाइयां ही नहीं अवेलेबल थी जो इमरजेंसी सिचुएशंस में या किसी को कोई मसला हो तो उसमें वो अवेलेबल ही नहीं, ठीक है। अब इसमें ये है कि नॉलेज रिक्वायरमेंट्स में है हार्म कॉज बाय हेल्थ केयर एरर्स सिस्टम्स एंड फेलियर्स, लेसन अबाउट एरर एंड सिस्टम फेलियर फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड द ओरिजिन ऑफ ब्लेम कल्चर, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम फेलियर्स वायलेशंस एंड एरर्स, अ मॉडल ऑफ पेशेंट सेफ्टी। अब बेसिकली इस वाले ये जो हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें हम ये इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ये हम सारी चीजें जो है डिटेल में आगे लेक्चर्स वगैरह में पढ़ेंगे। ये आपने पेशेंट सेफ्टी वन में हर चीज पढ़ ली थी या नहीं? यस मैम, एग्जैक्टली यस मैम, पढ़ी है। चलो फिर आप लोग बताओ नॉलेज रिक्वायरमेंट्स का, बताए कौन बताएगा? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन मैं पूछूं कि जिस तरह आपने पेशेंट सेफ्टी वन में नॉलेज रिक्वायरमेंट्स में क्या पढ़ा था? मैम मेरे पेशेंट सेफ्टी वन और पेशेंट सेफ्टी टू अभी इकट्ठे रखी है। नहीं, मैं उन बच्चों से पूछ रही हूँ जिन्होंने पेशेंट सेफ्टी वन पढ़ी हुई है, कोई भी रैंडमली बता दे। मैम पेशेंट की, मैम मैं बताऊं, मैम मैं बताऊं, आपका क्या नाम है बेटा? मैम नायला अंजिला।
मैं बोल रही हूँ मैं बताऊँ उनजिला बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ तो मैं नाम क्या आपका उनजिला उनजिला चलो हाँ उनजिला बताओ मैम बेसिकली नॉलेज रिक्वायरमेंट्स में ये आ जाता है कि आप अगर कोई भी ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं या अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं लाइक अगर आप कुछ तो इसमें सारी बेसिकली वही आ जाती हैं कि कहीं अगर आपका सिस्टम अगर आपने जैसा डिज़ाइन किया अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं ठीक से कर रहे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कहाँ पर लैग कर रहा है कौन सा ऐसा स्टेप है जो आपने छोड़ दिया है या आपने जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आई है वहाँ पर तो इस तो हमें इससे पता होना चाहिए ये आ जाती है नॉलेज रिक्वायरमेंट्स में वेरी गुड कि बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आप ऐसे मतलब नेग्लिजेंस आप कहां पे देंगे ये चीज है कि आपको ओवरऑल के मतलब ये कि आप ये देखो कि एक्चुअली नेग्लिजेंस किस लेवल पे आ रही है अगर कोई नेग्लिजेंस वगैरह हुई है तो और ये कि आपका अपना नॉलेज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होना चाहिए आप अगर कुछ भी करने जा रहे हैं तो आपका सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि अगर आप एक प्रोसीजर एक स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि इस प्रोसीजर में कहाँ कहाँ गलती हो सकती है और मैंने कहाँ कहाँ पे मैंने हर जगह ये कोशिश करनी है कि पेशेंट को बहुत कम मतलब पेशेंट को बहुत कम लॉस हो या पेशेंट को बहुत कम हार्म हो ठीक है हमें इस तरह कोशिश करनी है कि बेसिकली के पेशेंट को मिनिमम हार्म हो और उसका बेसिकली ज्यादा से ज्यादा फायदा हो ठीक है और ब्लेम कल्चर में नहीं पड़ना कि आपने ओवरऑल देखा है कि क्या आप इस कहीं भी जा रहे हो अगर कुछ करने तो आपने देखते हैं कि वहां पे वो सेफ्टी पेशेंट सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स ले रहे हैं कि जिसकी वजह से पेशेंट को मिनिमम हार्म हो ठीक है अब देखो हार्म कॉज्ड बाय हेल्थ केयर एरर्स एंड सिस्टम फेलियर्स ठीक है एक्सटेंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट कैटेगरीज ऑफ एडवर्स इवेंट्स मोस्ट सीरियस आर कॉल्ड सेंटिनल ऑफ इवेंट्स इकोनॉमिक कॉस्ट और ह्यूमन कॉस्ट ठीक है अब एक सेकेंड रुको जरा ये मेरे कौन रुको हाँ ठीक है अब देखो बेसिकली ये वाला लेक्चर ना ओवरऑल इसी तरह ही है कि आपने अब देखो आपको भी बाहर के यहाँ पे तो फेयर नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होता लेकिन बाहर के मुल्कों में आपने अगर सुना हो जिस तरह अगर आप यूएस जाओ या यूके वगैरह जाओ तो वहाँ पे ये होता है कि अगर कोई भी डॉक्टर कोई भी नेग्लिजेंस वगैरह शो करता है तो वहाँ पे पेशेंट्स जो है वो डॉक्टर को सू करते हैं लाइक जिस तरह ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट और ह्यूमन कॉस्ट है इसमें ये है कि आप जिस तरह अगर बाहर के मुल्कों में जा रहे हो तो पेशेंट्स जो होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो डॉक्टर को सू कर दे कि मतलब बेसिकली वो डॉक्टर को बहुत ज्यादा फाइन आ जाता है अगर डॉक्टर की तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस हुई है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे पाकिस्तान में फिर अब मे भी हो गया और थोड़ा बहुत लेकिन आप ये देखो कि अगर कोई नेग्लिजेंस वगैरह होती है तो सारा जो वहाँ पे अमला होता है हॉस्पिटल का जो पूरा स्टाफ वगैरह होता है वो यही कोशिश करता है कि वो किसी तरह जो है ना डॉक्टर को बचा लेता है कुछ ना कुछ करके ठीक है अब लेकिन बाहर के मुल्कों में ना जिस तरह जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस आपने ये बात सुनी होगी कि बाहर के मुल्कों में जिस तरह कहते हैं कि जो मेडिकल प्रोफेशन होता है वो सबसे ज्यादा पेड होते हैं बाहर के मुल्कों में अगर आप जाओ ठीक है तो उसमें ये होता है कि वो डॉक्टर्स को सू करने की वहां पे एक पेशेंट्स को राइट दिया जाता है कि अगर उन्होंने कहीं पे भी नेग्लिजेंस हुई है कहीं पे भी उनसे कोई गलती कोताही वगैरह हुई है तो वो सू कर देते हैं ठीक है अब सेंटिनल इवेंट्स अभी हम देखते हैं कि सेंटिनल इवेंट्स क्या होते हैं ठीक है अब बेसिकली यही है कि कोशिश आप तो खैर आप ये देखो कि जो क्लिनिकल सेटिंग वगैरह में आप जाओ आप ये देखो कि पढ़ाना वगैरह जो जिस तरह जो लोग टीचिंग साइड पे चले जाते हैं टीचिंग इज लाइक इट्स एन इजी टास्क एज कम्पेयर टू क्लिनिकल सेटिंग क्लिनिकल सेटिंग में आप जब सीधा जाके पेशेंट से डील कर रहे होते हो ना तो पेशेंट को सेटिस्फाई करना एक मुश्किल काम होता है लाइक आसान भी होता है लेकिन मुश्किल भी होता है कि एक पेशेंट अगर आपके क्लिनिक से जाए तो वो खुश होके जाए आपने सारे स्टेप्स जो है वो इतने अच्छे तरीके से लिए हो कि उस पेशेंट का बहुत ज्यादा फायदा हो और उसके नुकसान मिनिमम हो ठीक है यही बेसिकली हमने पेशेंट सेफ्टी में यही पढ़ना ठीक है कि हमने यही पढ़ना है कि बेसिकली पेशेंट सेफ्टी के लिए हम क्या मेजर्स ले सकते हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को हार्म मिनिमम हो यही है ये वाला लेक्चर बेसिकली यही है कि ये लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही है इसमें हमने सारा वक्त यही पढ़ते रहना है कि हम अब इसके बाद जब हम एक एक मतलब हम इसके बाद जब अगले लेक्चर्स में एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे तो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी जिन्होंने पेशेंट सेफ्टी वन पढ़ा है उनका थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि ये है ठीक है आप लोगों को समझ आ रही है ना लेक्चर की यस मैम यस मैम ज्यादा मुश्किल तो नहीं यस मैम नो मैम नो मैम किसी को अगर मुश्किल लग रहा है तो प्लीज मुझे बता दे अगर चीज नहीं समझ आ रही तो पूछ ले मुझसे ठीक है वो कोई इशू नहीं है मैं आपको बता दूंगी
अब ये लेसन अबाउट एरर ये नहीं, ये पहले सेंटिनल इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सेंटिनल इवेंट्स जिस तरह हमने अभी पहले यही बात की कि जो सबसे ज्यादा सीरियस हार्म्स होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा सेंटिनल इवेंट्स जो कि रिपोर्टेड है, वो देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। उसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल सुसाइड ऑफ पेशेंट, सर्जरी ऑन नॉक। और देखो कि अभी इतने बड़े बड़े एरर्स हैं कि आप ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल एक सर्जन जो है वो इतना उसका वो अच्छा, अब एक दिन में उसने क्या किया कि अब एक सर्जन जो है वो बहुत ज्यादा उसने सर्जरीज रखी है एक ही दिन में, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि वो अब उसके जहन में बहुत सारे पेशेंट्स की जो हिस्ट्री है और ये वो ध्यान से पढ़ता नहीं है उस पेशेंट की, मतलब कि क्या उसकी क्या कंडीशन है या उसकी किस चीज की सर्जरी है, और वो किसी रॉन्ग पार्ट की कर देते हैं। अब ये सोचो ये कितना बड़ा एक उसने कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है उसके एंड सर्जन के एंड कि उसने बेसिकली एक गलत पेशेंट पे जाके सर्जरी कर दी है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैं सीएमएच में थी तो मेरी एक साथ एक कोलीग थी है, हमारा तो मसला इस तरह पहला कि हमने सिर्फ दांतों से डील करने के, शुक्र है अल्लाह का कि किसी की जान को कोई उससे खतरा नहीं होगा। लेकिन आप ये देखो कि मेरी एक कोलीग थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बेसिकली ये किया कि उन्होंने दांत कोई और निकालना था और निकाल दूसरा दिया साथ वाला। अब सोचो वो बेचारा पेशेंट तो सर पकड़ के बैठ गया, वो कहते कि मेरा इन्होंने मतलब मुझे दर्द साथ वाले में हो रही थी, मैंने कह भी रहा था उससे। अब देखो अब कितनी बड़ी जो है वो, और ये कि मेडिकेशन, अब आप देखो फॉर एग्जाम्पल अब जिस तरह देखो मेडिकेशन एरर कि एक पेशेंट जो है वो आया है उसका बीपी हाई है, ठीक है। अब उसको गलती से अगर ये नेग्लिजेंस डॉक्टर ने कर दिया कि उसको ड्रिप आगे से सॉल्ट की लगा दी, तो आप बताओ उस पेशेंट के साथ क्या होगा कि उसने उसको गलत दवाई दी है जिसकी वजह से ऑब्वियसली उस पेशेंट की जान को ही खतरा बन गया कि ऑलरेडी उसका बीपी हाई था और आपने NaCl उसको लगा दिया। या ये कि हाँ इनकम्पेटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या आप ये देखो कि जिस तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह होते हैं तो उसमें डोनर और एक्सेप्टर का पहले आपने ब्लड मैच करना होता है, ठीक है। कि इन दोनों से देखो इन दोनों का ब्लड ना मैच करो तो फौरन जो है इनकम्पैटिबिलिटी क्या हुआ बेटा, सॉरी आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस मैम आ रही है, मैम आ रही है, मैम आ रही है, ठीक है। अब उससे अगर नहीं भी समझ ना, अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी कि सेंटिनल इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कि आपकी आपने देखो और जैसे ही आप देखो कि जैसे ही आप गलत डोनर का आप किसी और ब्लड ग्रुप का जो है वो करना शुरू कर दोगे तो वो आपको पता है कि फौरन ही अगला पेशेंट जो है उसकी जान खतरे में हो जाती है। क्या आप उसकी एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है कि आप ए पॉजिटिव पेशेंट को बी पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये है कि ये कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है कि इससे बेसिकली सेंटिनल इवेंट्स में अगले बंदे, अब जिस तरह मैंने आपको एक चीज बताया था कि रिटेन्ड इंस्ट्रूमेंट आफ्टर सर्जरी, ये मैंने आपको बताया है कि जिस तरह उन्होंने रख दिया उस पेशेंट को घर जाते ही वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट होगी और उसकी हालत बुरी होना शुरू होगी, वो तो कोई अलग का कर्म था उनमें कि वो पेशेंट बच गए, ठीक है। या आप ये है कि आप सी सेक्शन या मेटरनल डेथ, हाँ एक ये भी कॉज हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उसका प्लेसेंटा रिटेन हो गया है तो उस सूरत में माँ की जान भी जा सकती है, जिस तरह जो गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह होती है तो उनको भी हर सूरत में। तो सेंटिनल इवेंट्स में क्या हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने रॉन्ग बॉडी पार्ट या रॉन्ग पेशेंट पे कर दी है, या आपने ये किया कि आपने मेडिकेशन उसको गलत दे दी है, या ये कि इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, या फिर ये कि मेटर्नल डेथ होगी आपके किसी नेग्लिजेंस की वजह से, जिसका मैंने आपको प्लेसेंटा की एग्जाम्पल दी, या ये कि रिटेन इंस्ट्रूमेंट है आपके सोच, ठीक है। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि सेंटिनल इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? मैं बताऊं? नहीं, मैं आपको पूछूंगी, मैं खुद पूछा, मैं उस बच्चे से पूछूंगी जो बिल्कुल सो रहा है इस क्लास में, जो मतलब आराम कर रही है। जरीशा एक सेकंड, बल्कि मैं किसी लड़के से पूछती हूँ, लड़के कम पढ़ते हैं, एक सेकंड रुको। जुमर लड़की है? जुमर ये लड़का, सॉरी जुमर नहीं, सैयद मोहम्मद, हाँ ये सैयद मोहम्मद अर्शद भी, सैयद मोहम्मद अर्शद बेटा आपको तो मैं पहचानती हूँ, आप जरा मुझे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, पढ़ना यार आप पहले लाइक थे ना, लाइक थे या नहीं? जी मैम पहले लाइक थे, अब थोड़ा कोरोना ने बिगाड़ दिया है। क्या हुआ बेटा? मैंने कहा कोरोना ने हालात खराब कर दिए हैं। कोरोना ने दिमाग पे तो नहीं असर कर दिया? चलो मुझे मुझे बेटा आप बताओ, सैयद बेटा आप बताओ कि क्या सेंटिनल इवेंट्स हो सकते हैं? मैम हाँ आपको सेंटिनल इवेंट्स में क्या क्या हो सकता है अभी जो मैंने बताया? मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं मैम ठीक आ रही है। हेलो इसका मतलब आपने अभी भी पढ़ना नहीं शुरू किया बेटा, मेरी आवाज सही आ रही है? फर्स्ट मोमेंट से ले रही है मैम।
इंटरनल इवेंट बता दो, एक तो बता दो, सही है नो मत अक्सर नहीं सुन रहे थे ना, ये बताओ पहले मुझे। हेलो हाँ बेटा फोन में बात कर रही हूँ। हाँ मैम सही आ रही है आपकी आवाज। अच्छा चलो अगर मेरी आवाज ब्रेक नहीं हो रही है तो एक या दो सेंटिनल इवेंट्स बता दो। ये मोहम्मद अर्शद देखा तुमने पढ़ना नहीं शुरू किया अभी तक, ये सही बहाना है, या तो दो कहते कि आवाज नहीं आ रही है, या कहते कि हमारा इंटरनेट खराब। सैयद मोहम्मद अर्शद किधर चले गए हो? लेफ्ट कर दी होगी मैम मीटिंग। नहीं इधर ही है मैम, शायद इसके इंटरनेट का मसला होगा। यस मैम कल के वो मौसम की वजह से बहुत ज्यादा मसला हो रहा है इंटरनेट का। यस मैम वो बोल रहा है कि आगे किसी गांव में रहता है तो वहां वैसे मैम अपना सैयद मोहम्मद अर्शद बेटा ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो मैं तुमसे मैंने क्वेश्चन किया, देखो तुम आज भी नहीं पढ़ के आए हो, अभी तक तुम 2 साल में मतलब नहीं इंप्रूव नहीं किया मतलब अपने आप को। अच्छा चलो वरना बेटे आप बताओ सेंटिनल इवेंट्स क्या है, मैंने रैंडमली उन बच्चों से पूछा जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते। सैयदा गनमा बुखारी बेटे आप बताओ सेंटिनल इवेंट्स मैंने क्या क्या बताए हैं। गनमा जो बच्चे आंसर नहीं ना देते उनकी मैंने अटेंडेंस ही नहीं मार्क करनी, अभी अटेंडेंस मार्क करूंगी। गनमा सैयदा गनमा बुखारी यस मैम। मैम वो अनम्यूट नहीं हो रहा था एक्चुअली में। कोई बात नहीं बेटा आप बता दो, आप जितने भी आते हैं बता दो, कोई मसला नहीं है, बस मुझे ये होता है कि बिल्कुल ये ना हो कि बिल्कुल आंसर ना आता, थोड़ा बहुत भी जिसको आता होगा ना उसका मैं मान लूंगी। मैम काइंडली आप अपना क्वेश्चन एक दफा काइंडली रिपीट कर दें, एक्चुअली मेरी तरफ से इंटरनेट थोड़ा खराब है, प्लीज रिपीट कर दें एक दफा। हां वरना मैं पूछूं कि अभी जो मैंने आपको सेंटिनल इवेंट्स बताए उनमें से मुझे कोई 2 या 3 सेंटिनल इवेंट्स बता दो। मैम उसमें मतलब आपने डिफरेंट मतलब पॉइंट्स नहीं बताया, उसमें एक और ये है कि वरना एक सेकंड बेटा ये मोहम्मद अर्शद वापस आ, हां सैयद मोहम्मद अर्शद आ गए हो वापस। मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, तुम बोलो तो कुछ तो मैं सुनू ना। मैम वो नेट इशू था, आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अच्छा सेंटिनल इवेंट्स बताओ ये क्या दो, फिर मैंने वनवा से पूछ रहे जल्दी से। मैम सेशनल इवेंट्स ये होते हैं कि एक अगर कोई पेशेंट है और उसको एक डॉक्टर ट्रीट कर रहा है तो मतलब कि कोई भी ट्रीटमेंट है उसका उसका जो पर्पस होता है तो वो गलत हो जाए, मतलब ट्रीटमेंट गलत हो जाए तो वो सेशनल इवेंट्स होते हैं, जिसमें ये होता है कि एक डॉक्टर है के पेशेंट के जो किसी दूसरे पार्ट को मतलब के जो इफेक्टेड पार्ट होता है उसको ट्रीट करने की बजाय किसी दूसरे पार्ट को वो ट्रीट कर देता है। ठीक है और चलो ठीक है मैं तुम्हारी अटेंडेंस में। अच्छा वर्मा बेटे आप बताओ, ठीक है मोहम्मद अर्शद लेकिन बेटा ध्यान से लेक्चर सुनो। मैम नेट इशू बहुत है। चलो कोई नहीं तुम्हें थोड़ा सा तो सुनो ना बेटा, फिर आपके लिए आसानी होगी, फिर साथ साथ नहीं पढ़ोगे साथ साथ तो फिर बाद में बहुत मसला होता है। अच्छा वर्मा बेटे अब आप बताओ किसने जी बता दिया। मैम बेसिकली जो सेंटिनल इवेंट्स होते हैं ना वो ऐसे मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जिससे हम पेशेंट को कोई सीरियस इश्यू हो सकता है या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है या मैम उसके साथ ये भी हो सकता है कि उसको साइकोलॉजिकल इश्यू भी क्रिएट हो सकते हैं। वेरी गुड और मैम इतने लाइक मतलब इसमें आप ये होता है कि आप किसी रॉन्ग पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दो मतलब जो ट्रीटमेंट उसको नहीं चाहिए। वेरी गुड ठीक है और मैम इसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स उसकी बॉडी में ड्यूरिंग कोई भी सर्जरी में एंटर हो सकता है। वेरी गुड क्या आप गलती से कोई इंस्ट्रूमेंट छोड़ दो सर्जरी। जी मैम वेरी गुड गर्मा ठीक है बेटा अब आपको मेरी आवाज आ रही है ना। जी मैम मुझे अब आ रही है आपकी आवाज। ठीक है चलो ठीक है अब लेसन्स अबाउट एरर इन सिस्टम फेलियर्स फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज ठीक है व्हाट इन्वेस्टिगेटर्स। अच्छा अब बेसिकली आप ये देखो ये 2 दफा ये एक ही स्लाइड है जो पहले ऊपर हो रही थी ये देखो आप ठीक है। यस मैम अब सही है। ठीक है आप बेसिकली ये अब ये है कि लेसन अबाउट एरर इन सिस्टम फॉर अदर इंडस्ट्रीज ठीक है। अब इसमें देखो कि फॉर एग्जाम्पल आपने जिस तरह मैंने आपसे पहले भी बात की है नहीं जानना
आमना नवाज की लड़की मैम उसका चलो आमना को कहो कि बेटा जरा म्यूट कर ले. अच्छा अब लेसन्स अबाउट एरर एंड सिस्टम फेलियर्स फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज. अब ये देखो कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपसे पहले भी ये बात की है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एरर हो गया है या अगर कोई भी अगर कोई मसला हो गया है या जिस तरह कोई डिजास्टर से क्या समझ आती है आप लोगों को मैम? हार्मफुल इफेक्ट हाँ ठीक है. अब बेसिकली बेटा आपने ये कर लिया कि आपने मैंने आप लोगों से जिस तरह पहले भी ये बात की थी कि अगर कोई किसी से नेग्लिजेंस हो गई है या ये कि अगर कोई सिस्टम फेलियर वगैरह हो गया तो उसमें आपने ये कर लिया कि आपने बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ये मसला शुरू कैसे हुआ था. ठीक है कि ये है कि आपने ये नहीं करना कि रेंडमली आप ब्लेम गेम वगैरह स्टार्ट कर दे. पहली बात तो ये है कि आपने सबसे पहले तो यही कोशिश करनी है कि कोई भी आपकी वजह से कोई भी ऐसी मसला वगैरह ना शुरू हो कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके एंड पे नेग्लिजेंस ना हो. और ये कि आपने ये बेसिकली किसी भी अगर आप क्लिनिकल सेटिंग में जाते हो या फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी जिस तरह हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो आपने ये देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग क्या मेजर्स ले रहे हैं कि ताकि ये जो नेग्लिजेंस या ये जो है पेशेंट सेफ्टी मेजर्स वो लोग ऐसे क्या ले रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो मिनिमम. ठीक है. और ये कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा एरर या ये हो गया तो उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह होनी चाहिए और आपने एक सिस्टमैटिक वे से अप्रोच करना है उसकी तरफ कि अगर कोई मसला वगैरह हो भी गया तो इसका बेसिकली मतलब कि इसका मेन क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ये मसला यहाँ तक पहुंचा है या ये जो नेग्लिजेंस हो गया इसकी क्या रीजन थी. कि फॉर एग्जाम्पल देखो अगर एक डॉक्टर के एंड पे मसला हुआ था और ये देखते हैं कि वो डॉक्टर क्यों उससे अगर वो कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह भूल गया ड्यूरिंग सर्जरी तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसका डॉक्टर का ध्यान किसी और तरफ था. ठीक है. तो आपने आप देखो आप बेसिकली कोई भी अगर नेग्लिजेंस हुई है तो आपने जिस तरह मैंने आपसे पहले भी ये बात की है कि अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल किसी ने बहुत अच्छा बना दिया लेकिन एंड पे फैसिलिटीज वगैरह या एंड पे ये है कि उसकी फार्मेसी में सही तरह से चीजें ही अवेलेबल नहीं थी तो आपने ये चीज देखी है कि आपने मतलब कहाँ पे बेसिकली जो है नेग्लिजेंस आ गया. मतलब ये कि आपने ये बेसिकली देखते हैं कि किस तरह की क्या वजह है कि ये जो एरर वगैरह आ रहे हैं ये आप अदर आप दूसरी इंडस्ट्री से भी इसकी एग्जाम्पल ले लाइक आप ये देख सकते हो कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनको मिनिमाइज करके हम जो है पेशेंट पे हार्म मिनिमम कर सकते हैं. ठीक है. अब स्विस चीज मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा जिन्होंने पेशेंट सेफ्टी मान पढ़ी है मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज स्विस चीज मॉडल? हाँ हाँ बताओ बेटा मैं नाम मैंने बताओ अपना. मैम सायरा. मैम मैम तो ओए सायरा सायरा वो वाली सायरा जो यस मैम. अच्छा सायरा मुझे तुम्हारी आवाज आ रही थी बीच में लेकिन मैंने कहा ये सायरा जैसी आवाज क्यों मेरे कानों में गूंज रही है. सायरा तुम भी हाँ सायरा बताओ. चलो बेटा शुक्र है तुम कोई बहुत ज्यादा काबिल बच्चा भी है मेरी क्लास में. सायरा चलो बताओ स्विस चीज मॉडल का बताओ. मैम स्विस चीज मॉडल में हम देखते हैं ये हेल्थ केयर सिस्टम को चेक करने के लिए होता है. इसमें हम लोग ना पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रेडिंग करके कि ह्यूमन एरर है कहाँ पे और हम ये देखते हैं कि सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए कितना सेफ है. इसमें एक्टिव और लेटेंट फैक्टर्स होते हैं. एक्टिव फैक्टर्स में हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स की देखते हैं कि उसकी उससे क्या गलती हो रही है और लेटेंट फैक्टर्स में हम ये देखते हैं उसका सिस्टम में कोई इशू तो नहीं है जैसे कोई प्रोसीजर वगैरह डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है कोई मशीनरी वर्क नहीं कर रही होगी इस वजह से. और लेटेंट फैक्टर्स होते हैं इसमें हम ये देखते हैं कि उसके कोई सिस्टम में एरर तो नहीं है लाइक कोई प्रोसीजर में डिले हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है शायद उसकी जो सिस्टम हो वहाँ पे सिस्टम अप्रोच में या उसकी मशीनरी वगैरह वर्क नहीं कर रही हो या फिर उसके पास वो मशीनरी है नहीं मौजूद नहीं है जिसका उसने प्रोसीजर यूज करना था. मैम स्विस चीज रोल में जो चीज के पीसीज है इसमें ये होता है कि ये बैरियर्स होते हैं किसी भी एरर के अगेंस्ट तो जो इसमें एक होल होता है वो होल रिप्रेजेंट करता है कि इस चीज के बीच में मतलब एक एरर है एक मिस्टेक है वो मिस्टेक किसी भी किस्म की हो सकती है जैसे लेटेंट फैक्टर्स वाली या एरर प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स हो सकते हैं कोई भी इनमें से जो मेंशन है वो फैक्टर्स उसमें एरर के अकॉर्डिंग जो है वो शो होते हैं और ये चीज के होते हैं.
वेरी गुड. आपने क्या, आपका बेटे क्या नाम है? महनूर रहमान. एक सेकंड सॉरी मैं देखती हूँ आपका. एक सेकंड, क्या नाम था बेटा आपका? उम्मीद महनूर रहमान. अच्छा महनूर रहमान, वेरी गुड वेरी गुड महनूर. ठीक है, और कौन बताएगा जिसने पहले पढ़ा हुआ है? मैम मैं बता दूं? हाँ बेटे नाम बताओ. बता, शुक्र है मैं लड़का भी बोला. हाँ बेटा नाम बताओ अपना. बेटे मैम उस्मान. हाँ उस्मान बेटे आप बताओ. मैम इसके अंदर मैम बेसिकली इजी वर्डिंग हम ये कह सकते हैं मैम, हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर पेशेंट को हम इसके अंदर चेक करते हैं. अगर कोई नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी एक डॉक्टर ने उसको छोड़ दिया है तो हम उसको नेक्स्ट लेवल के उस पर हम कैप्चर कर लेंगे उसके कोई बीमारी को. या इसी तरह मैम हम दो तीन जगह पे फर्दर उसको चेक करते हैं और इन द एंड वो डायग्नोज हो जाता है उसको. अगर कोई नेग्लिजेंस की वजह से कोई डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सका होगा उसके मसले को, तो वो हम इन द एंड कहीं ना कहीं उसको हम कैप्चर कर लेते हैं. ठीक है, वेरी गुड. कि बेसिकली आप लोग को कि अगर आपका किसी भी लेवल, इसमें हमने ये देखा है कि कौन से लेवल पे जो है वो नेग्लिजेंस हो रही है. ये जो एंड पे रेड सा दिखा रहे हैं बेसिकली पेशेंट है. ठीक है, कि एक तो सबसे पहले होते हैं लेटेंट फैक्टर्स. लेटेंट फैक्टर्स में ये आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह उस ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, ये बेसिकली ये तो नहीं हो रहा कि एक जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आप एग्जाम्पल ले लो. क्या आपको पता है कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो वहां पे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि वहां पे ये होता है कि जिस तरह अगर फ्री ट्रीटमेंट वगैरह मिल रही है इस तरह, तो होगा कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और आगे डॉक्टर्स जो होते हैं वो कम होते हैं. ठीक है, आप एक डॉक्टर जो है वो सुबह से बेचारा पेशेंट्स चेक कर रहे हैं तो उसमें इतना ज्यादा वर्कलोड है. ऑब्वियसली अगर वो सुबह सुबह आ गया है, ठीक है, लाइक 7-8 बजे और रात तक वो पेशेंट चेक किए जा रहे, तो अभी एक बेटा हर बंदे में ना एक हद तक एनर्जी होती है. ऑब्वियसली अब रात को वही वाला जो डॉक्टर है जब उसमें इतना ज्यादा वर्कलोड होगा तो उससे नेग्लिजेंस के होने के चांसेस ज्यादा है. कि मतलब ऑब्वियसली जब बंदा एक बहुत ज्यादा थक जाता है तो वो एक प्रोसीजर वो मे बी इस तरह से पेशेंट की बात ना सुने या ये. तो अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन में मसला है कि उसको डॉक्टर को, या ये है कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हो तो उसमें ये है कि आप ये देखते हो कि वहाँ पे फैसिलिटीज भी इतनी सही तरह से, डॉक्टर्स को सही तरह से फैसिलिटेट ही नहीं किया जाता. कि फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर के पास अगर बैठने के लिए चेयर ही नहीं है, मतलब ये कि उसमें एक ऑर्गन का सिस्टम इस तरह का है कि एक डॉक्टर के पास में बैठने के लिए जगह नहीं है, तो आप ये बताओ कि एक डॉक्टर खड़ा रहने में कितनी देर तक करेगा, मतलब ये कि वो कितनी देर तक काम कर सकता है खड़े होकर. ठीक है, अब इसमें ये ज्यादातर मसला आता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे. ठीक है, कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो या एक डॉक्टर है उसने 300 पेशेंट्स एक दिन में चेक किए हैं, तो ऑब्वियसली आप खुद ही बताओ कि जब इतने सारे उसने पेशेंट्स को चेक करना है तो उसकी एफिकेसी कैसे होगी. चलो प्राइवेट क्लिनिक्स की हम बात नहीं करते, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वहां पे तो डॉक्टर्स को अच्छी खासी मतलब थोड़ी बहुत लेवरेज दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यही होता है. ठीक है, अब एरर प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है, कि वही कि इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं एरर प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स. कि ये है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ज्यादा, जिस तरह हमने अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की है कि बहुत ज्यादा रश मचा हुआ है एक वार्ड के अंदर. अब आप ये बताओ कि जब बहुत ज्यादा रश मचा हुआ होगा तो एक डॉक्टर जो है उसे जब किसी पेशेंट से बात करनी है तो आप खुद ही कॉमन सेंस की बात है कि वो कितना कन्विंस होगा पेशेंट की हिस्ट्री अगर वो ले रहा है फॉर एग्जाम्पल, और बहुत ज्यादा पीछे शोर आए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉइज है. ठीक है, तो वो पेशेंट अब देखो वहां पे एरर, अब यहाँ से अब देखो नेग्लिजेंस के चांसेस बढ़ते जाएंगे कि अगर वो पेशेंट की हिस्ट्री ले रहा है तो पेशेंट की सही तरह से बात ही नहीं सुनी तो वो डायग्नोज कैसे करेगा. ठीक है, अब टीम का ये है कि लैक ऑफ सुपरविजन के फॉर एरर प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स में दूसरी चीज आ जाती है टीम. पहली चीज थी इन्वायरमेंटल, फॉर एग्जाम्पल बिजी वार्ड है या बहुत ज्यादा इंटरप्शन है. अब उसमें यह है कि टीम में जिस तरह देखो कि फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं तो सीनियर डॉक्टर किसी अपने जूनियर स्टूडेंट को कह दे, जूनियर डॉक्टर को कह दे कि तुम भी सारों को डील करो. ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अक्सर ये है कि जिस तरह सीएमएच वगैरह क्या, सीएमएच नहीं कोई भी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, उसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं. अब डॉक्टर ये कहते कि जी चलो अब मैं थक गया हूँ तुम क्यों करोगे, और सुपरवाइज करना उसको छोड़ दे. अब ऑब्वियसली एक बंदा जो फ्रेशली ग्रेजुएट है, आप देखो तरह तरह के केसेस वगैरह आते हैं, अभी देखो कि जब उसके ऊपर कोई सुपरविजन ही नहीं होगी तो ज्यादा चांसेस है कि वो एरर कर सके. ठीक है, अब एक, अब ये तो पहले हो गया इन्वायरमेंटल, दूसरा हो गया टीम, और उसके बाद है इंडिविजुअल. अभी मैं पूछूंगी एरर प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स क्या क्या है. ठीक है, अब देखो अब इसमें ये है इसी चीज आ गई इंडिविजुअल, कि बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे क्या, अब देखो एक
फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है उसका अपना नॉलेज भी कम है तो वो पेशेंट को क्या ट्रीट करेगा, आप उसका इंडिविजुअल लेवल पे ये उसके लिमिटेड नॉलेज की वजह से कि उसने पेशेंट को सही तरह से डायग्नोज ही नहीं किया, ठीक है। उसके बाद टास्क और पेशेंट, क्या आप ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल टास्क तो यही है कि फोर मेडिकेशन चार्ट डिजाइन, ठीक है, कि आप ये है कि बेसिकली जो डॉक्टर की, अब इसमें देखो कि पेशेंट या डॉक्टर, अब देखो अब एक पेशेंट की अगर हम बात करें तो उसमें ये है कि अगर एक पेशेंट जो है अगर आप उसको अगर पेशेंट के लेवल में ये हो सकता है कि पेशेंट आपको सही तरह कम्युनिकेट ही ना करे, ठीक है, कि बेसिकली ये है कि जिस तरह एक पेशेंट है वो सही तरह से अपनी कंडीशन बता ही नहीं पा रहा आपको या सही तरह से आप उसकी लैंग्वेज का कोई डिफरेंस है या ये, तो वहां पर भी फिर नेग्लिजेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक्टिव फेलियर्स में ये आ जाते हैं कि जिस तरह जो वायलेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, वायलेशन ये है कि देखो एरर स्लिप लैप्स या वायलेशन, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक्टिव फेलियर में कि फॉर एग्जांपल आप दो पेशेंट्स कर रहे हो, अब आपने एक पेशेंट के करने के बाद हाथ ही नहीं धोए, सबसे बड़ी नेग्लिजेंस या वायलेशन ये आ गई कि आपने अपनी अपना ख्याल ही नहीं रखा अपनी सफाई का। ऑब्वियसली आप एक पेशेंट कर रहे हो, दूसरे पेशेंट में कोई प्रोसीजर, पहले एक पेशेंट में आपने प्रोसीजर किया, दूसरे पेशेंट से पहले आपने या ग्लव्स नहीं चेंज किए या आपने हैंड वॉश नहीं किए, अब देखो अब इससे कितना बड़ा एरर प्रोड्यूस होता है, अब इससे कितनी मतलब कितनी नेग्लिजेंस की बात है कि वो भी आप जरा सीन वाले हाथ दूसरे पेशेंट पे यूज करें, ठीक है। अब उसके बाद डिफेंसेस ये है कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने आपसे पहले भी ये बात की थी कि जिस तरह अगर एक फार्मेसी अगर किसी हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर कोई फार्मेसी है उसके अंदर फार्मासिस्ट ही नहीं बैठा हुआ या वो मेडिसिन ही नहीं मौजूद, अब देखो कितना बड़ा एरर है नेग्लिजेंस है, ठीक है। अब इसमें स्विस चीज मॉडल में क्या क्या फैक्टर्स हैं, लेटेंट फैक्टर्स हैं, एरर प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स हैं, एक्टिव फेलियर्स हैं और डिफेंसेस हैं, ठीक है। ये चार आप लोगों ने याद कर लिए, ठीक है। आप इसका निमोनिक बना लो, लीड का निमोनिक बना लो, जिस तरह लेटेंट एल लीड अपने एड में रख लो एल ई ए डी वाले, सबसे पहले होंगे लेटेंट फैक्टर्स, ठीक है। उसमें लेटेंट फैक्टर्स में जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल की तरफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस में कोई नेग्लिजेंस हो सकती है मैनेजमेंट डिसीजन में, ठीक है। अब ई से हो गए एरर प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स, एरर प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस तरह एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें या ये सुपरविजन नहीं है या इंडिविजुअल लेवल पे। उसके बाद ए से आता है एक्टिव फेलियर्स, एक्टिव फेलियर्स में वही कि जिस तरह वायलेशन किए कोई, जिस तरह एक नॉर्मल एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पे जाते हुए डॉक्टर ने ग्लव्स नहीं चेंज किए या हैंड नहीं वॉश किया, देखो कितनी बड़ी है नेग्लिजेंस आ गई। तो उससे अगला है डिफेंसेस, डी से है डिफेंसेस कि बेसिकली जहां पे वो पेशेंट काम करे जिस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में वहां पे कोई वहां उनकी तरफ से फॉर एग्जाम्पल फार्मेसी में कोई फार्मासिस्ट ही बैठा हुआ है वो, ठीक है। तो ये स्विस चीज मॉडल है, जिस तरह स्विस चीज में होल्स होते हैं अगर किसी भी जगह नेग्लिजेंस होगी तो ऑब्वियसली वो अफेक्ट करेगी सीधा पेशेंट को, ठीक है। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि लीड में क्या क्या चीज है, मतलब मैंने खुद से देखो ये निमोनिक कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप लोगों को याद रह जाए, ठीक है। मैं खुद पूछूंगी कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं स्विस चीज मॉडल में। अकदस इकबाल, अकदस बेटा आप बताओ, अकदस अकदस इकबाल बेटे आप बताओ, अकदस ये किधर, ये अकदस नाम ही है ना इस बच्ची का, कोई मुझे बताए इसका नाम अकदस ही है या क्या नाम है। मैम माइक ना म्यूट नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं। अकदस बेटा आप बताओ कि मैंने अभी आप लोगों को जो एक निमोनिक बताया ना, एक मैंने कहा कि ये फैक्टर्स होंगे, उसके मुझे बता दो कि एल से क्या बनता है। एक्चुअली मेरा बार बार ना डिस्कनेक्ट हो रहा था इंटरनेट का, आजकल ना बहुत इश्यू आ रहा है तो इसलिए ना मैंने ये सुना नहीं है, सारा ही नहीं सुना। यस मैम मैंने स्विस चीज मॉडल आपने पेशेंट से अपनी मान पढ़ा या नहीं बेटा, फिर ये तो गलत बात है ना कि अगर आपके एरर के लिए सॉरी अगर पेशेंट नेट में मसला आ रहा है तो फिर तो बात की कि फिर अटेंडेंस मार्क करनी चाहिए या नहीं। अरूबा शफी बेटा आप बताओ। यस मैम। अरूबा आप बताओ बेटा कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। यस मैम क्या पूछ रहे हैं। इसमें फोर फैक्टर्स होते हैं। वेरी गुड, ये कौन बोला, लेटेड। यस मैम। एक सेकेंड अरूबा, दो अरूबाज हैं, मैम दो रुपए है। ठीक है, एक सेकंड अजान सुन ले फिर अरूबा मैं पूछूंगी। अरूबा ज्यादा लाइक कौन है,
किससे मजे सुन ले सर, लाइक तो मैम लाइक तो सिर्फ सैयद मोहम्मद अरशद रजा है, लाइक नहीं वो ना वो बस नॉर्मल। अच्छा चलो अरूबा 20 मिनट में ना एक अरूबा बता दे जल्दी से। अरूबा यस मैम। अच्छा जिस अरूबा के पीछे अजान हो रही है ना वो रहने तो दूसरी अरूबा बताया, आप अजान सुनो चलो। यस मैम क्या बताने मैम? बेटा स्पेशली इस मॉडल का बताने कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको अभी एक निमोनिक मैंने देखो इतना अच्छा निमोनिक बनाया LEAD वाला। यस मैम LEAD वाले आपने निमोनिक बताया, इसके लेटेंट फैक्टर हैं, एक्टिव फैक्टर है, डिफेंस फैक्टर है और एरर प्रोड्यूसिंग फैक्टर है। इसके अंदर आपने ये बताया कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ऊपर जो मतलब कि स्विस ट्रीज मॉडल में यही है कि जो हम लोग गलतियाँ करते हैं एक लेवल पे उसको हम नेक्स्ट लेवल पे जाके सही कर सकते हैं। और डिफरेंट आपने बताया इन इन लेवल पे जैसे लेटेंट फैक्टर में कौन से एरर्स आते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जैसे आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एग्जांपल दी है जिसमें आपने कहा है कि जैसे उधर फैसिलिटीज इस तरह से प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है तो उनके इस कंडीशन में मतलब कि एरर की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इसलिए उनको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि एरर ना हो सके। और वेरी गुड, अच्छा ठीक है, वेरी गुड ठीक है, थोड़ी बहुत समझ आ गई ना स्विच चीज मॉडल की। अच्छा और मुझे बताओ कि जो ठीक है समझ आ गई इनकी ये क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। यस मैम यस मैम। अच्छा अब उसके बाद कितना रह गया, एक सेकंड रुको जरा, 145 तक लेक्चर ना अटेंडेंस में आप लोगों की नहीं अभी करूंगी, अटेंडेंस वो रिपोर्ट में ही आ जाएगी ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड ओरिजिन ऑफ ब्लेम कल्चर, ये मैंने जिस तरह ये हो नहीं चुकी स्लाइड, नो मैम नहीं हुई, नो मैम। अच्छा अब जिस तरह ही मैंने पहले भी एक बात की थी कि जब भी आपने बेसिकली यही है कि ब्लेम कल्चर तो मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था कि आपने बेसिकली ये देखे कि आपने आपने जब ब्लेम कि हम आपने पर्सन जब भी कोई कोई नेग्लिजेंस वगैरह हो गया तो उसमें आपने ओवरऑल सिस्टम अप्रोच सिस्टमैटिक अप्रोच से चल रहे ठीक है, उसमें आपने ये नहीं कोशिश करनी, आपने बेसिकली ब्लेम गेम से दूर रहना है थोड़ा सा, आपने ये देखना है कि बेसिकली ओवरऑल ऐसी क्या सिस्टम सिस्टमैटिक तरीके से चलो कि ओवरऑल नेग्लिजेंस आ कहाँ पे रहे ठीक है। आप ऊपर से नीचे तक देखो कि बेसिकली कहाँ पे नेग्लिजेंस आ रही है, कि आया वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई नेग्लिजेंस है या उस पे या उस पर्टिकुलर डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, या ये कि टीम वर्क जो था उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, या ये कि बेसिकली भी फार्मेसी नहीं थी। तो ये है कि आपने जब भी देखना है कि आप ये देखो कि आप इस सिस्टम ओवरऑल देखते हैं कि किस वजह से नेग्लिजेंस हुई है ठीक है। अब देखो एक चीज वायलेशन जब हम पढ़ेंगे कि वायलेशन क्या होता है ठीक है, टाइप्स ऑफ वायलेशन क्या होता है, प्रोफेशनल डिफरेंस रूटीन सिस्टम, अभी देखो वायलेशन है क्या क्या। मैं देखो वायलेशन का ये मतलब है कि आपने जिस तरह जो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती है कोई भी ऑपरेशन करने के या कोई भी आप प्रोसीजर करते हो आप उससे हट रहे हो, उसको कहते हैं वायलेशन। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह एक होती है रूटीन वायलेशन, एक होती है ऑप्टिमाइजिंग वायलेशन और एक होती है नेसेसरी वायलेशन ठीक है। रूटीन वायलेशन ये होती है सबसे पहले जिस तरह आपने रूटीन में एक ऐसी चीज की है जो कि एक बहुत बड़ी वायलेशन की, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने हैंड वॉश की एग्जाम्पल दी थी कि जिस तरह एक डॉक्टर है वो एक पेशेंट पे प्रोसीजर करने के बाद जब दूसरे पेशेंट में जा रहे तो वो हाथ ही नहीं धोना, अब वो एक रूटीन के कामों में उसने एक वायलेशन की जिसकी वजह से इस नेग्लिजेंस की वजह से अगले पेशेंट को अफेक्ट होगा ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग वायलेशन बेसिकली ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो जिस तरह ऑप्टिमाइजिंग वायलेशन ये होती है कि जिस तरह एक जूनियर डॉक्टर है ठीक है वो अपने सीनियर डॉक्टर को इम्प्रेस करने के लिए वो कोई प्रोसीजर वगैरह करना शुरू कर दे, या फॉर एग्जाम्पल कि एक डॉक्टर जो है वो ये करे कि एक जूनियर डॉक्टर बहुत ज्यादा इंसिस्ट करना शुरू कर दे अपने सीनियर को कि नहीं नहीं आप प्लीज मुझसे करा लें प्रोसीजर मुझसे करा लें। अब ये देखो कि आप वो जब अपने जूनियर जूनियर डॉक्टर जो है वो आप अपने सीनियर डॉक्टर से को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करके प्रोसीजर करेगा, अब देखो ऑब्वियसली जूनियर डॉक्टर के पास नेग्लिजेंस की, अब देखो एक तो पहली बात ये है कि एक सीनियर डॉक्टर को ये चाहिए कि जब तक एक बच्चा जो एक जूनियर डॉक्टर किसी सीखने की फेज में तब तक उससे ना काम करवाए,
लेकिन अगर वो उससे करवाता है तो ऑब्वियसली उससे कोई नेग्लिजेंस होने के चांसेस ज्यादा है, और उससे रूल की वायलेशन की है कि असल में सीनियर को ही करना चाहिए, ठीक है। अब नेसेसरी वायलेशन ये होती है कि अगर एक डॉक्टर जो है डेलीबरेटली उससे कोई गलती हो जाती है, कि मतलब एक डॉक्टर जो है अभी देखो कि फॉर एग्जाम्पल वो प्रोसीजर अगर कर रहा है तो उससे कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो आपको नेसेसरी वायलेशन में आ जाएगी कि एक डॉक्टर जो है वो डेलीबरेटली उससे कोई गलती हो जाती है, दैट इज नेसेसरी वायलेशन, ठीक है। अब मॉडल ऑफ पेशेंट सेफ्टी में ये है कि अब इसमें क्या है कि इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, कि एक तो सबसे पहले ये कि मॉडल ऑफ पेशेंट सेफ्टी में सबसे पहले वो डॉक्टर्स आ जाएंगे जो कि हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पेशेंट्स आ जाएंगे कि जो पेशेंट्स हैं जिनको मिल रही है, एक मॉडल जो पेशेंट सेफ्टी का सबसे पहले ऑब्वियसली डॉक्टर आएगा, फिर एक पेशेंट आएगा जिन्होंने हेल्थ केयर रिसीव करने, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। क्या आप ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह हम लोगों ने बात की थी कि ओवरऑल उस कोई हॉस्पिटल है या कोई क्लिनिक है उसमें क्या सिस्टम है ओवरऑल, कि वहाँ पे जिस तरह हमने फार्मासिस्ट वगैरह की बात की थी या जिस तरह वहाँ पे फैसिलिटीज पूरी दी जा रही है या नहीं, ये एक मॉडल है, ठीक है। एक पेशेंट आ गया, एक डॉक्टर आ गया, एक वो जो सिस्टम है वो आ गया, और चौथा ये कि मेथड्स फॉर फीडबैक एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब जिस तरह आप ये हॉस्पिटल्स में होना चाहिए कि जैसे ही जिस तरह देखो जब हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वो लोग ये नहीं करते कि वो लोग आपसे एक फीडबैक फॉर्म करवाते हैं फिर, तो इसी तरह ये आइडियली एक हॉस्पिटल में होना चाहिए कि जैसे ही आप ये देखो कि बेसिकली जैसे ही एक प्रोसीजर हो जाए या कोई डॉक्टर या फिर पेशेंट डिस्चार्ज होने लगे उस हॉस्पिटल से, तो उसको एक फीडबैक फॉर्म मिलना चाहिए कि आपका कैसा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, जो कि आपने देखा ही होगा कि बहुत ही कम होता है, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, आप ये देखो कि बेसिकली आप ये देखो कि बेसिकली क्लिनिशियन जो है उसको इतना उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि उसका नॉलेज इतना होना चाहिए कि वो सही तरह से डायग्नोज करे, उसको पता हो कि डिजीज की इटियोलॉजी क्या थी या इसके प्रोग्नोसिस क्या है, कि मतलब कितना ट्रीटमेंट की कितनी प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स बेसिकली ये है कि कितना ये डिजीज के ट्रीट होने के चांसेस है, ठीक है, और आउटकम जो है वो क्या होगी, ठीक है। अब इसमें ये कि पेशेंट जो है पेशेंट, अब देखो एक बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब भी आपने बिहेवियरल साइंसेस पढ़ी है या नहीं, और ये एक डॉक्टर की एक अच्छाई होती है कि वो सिर्फ जिस तरह हमें कहते हैं कि हम लोग खुद भी ये कहते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर होता है जिसमें इंसानियत होती है, ठीक है। अब बात ये होती है कि एक डॉक्टर जो है पेशेंट से एक सही तरह से, एक तो उसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक डॉक्टर के पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि उसे फिजियोलॉजी उसको आनी चाहिए, ठीक है, उसको सारे फिजियोलॉजी आनी चाहिए, फार्माकोलॉजी आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि उसको थोड़ा सा अपने जहन में ये चीज भी रखनी चाहिए कि उसको पेशेंट से एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है, सिंपैथी नहीं होनी चाहिए लेकिन एम्पैथी होनी चाहिए कि वो पेशेंट को इस तरह देखे कि मैं अगर इसकी जगह हूँ, ठीक है। आप देखो जब एक डॉक्टर एक एम्पैथी रखेगा पेशेंट के बारे में, दिल से उसका ट्रीटमेंट करेगा, तो नेग्लिजेंस के तब भी चांसेस कम नहीं होंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि इसमें ये कि अंडरस्टैंड द मल्टीपल, अच्छा अब इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप जिस तरह एज अ स्टूडेंट आप लोगों को ये देखना चाहिए कि मतलब ये कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिसकी वजह से फेलियर हो किसी प्रोसीजर में या जिसकी वजह से हम लोग ये हो रहा है ये कोई एरर वगैरह आ सकता है, ठीक है, और ब्लेमिंग से अवॉइड करना चाहिए। और एविडेंस बेस्ड केयर, आपको बेसिकली अगर आप कोई मेडिकेशन पेशेंट को दे रहे हो तो वो मेडिकेशन अप्रूव्ड होनी चाहिए, जिस तरह वो वाली मेडिकेशन यूज हो रही है उस ट्रीटमेंट के लिए, ये नहीं कि आपने रैंडमली नहीं आप दवाइयां देते, एविडेंस बेस्ड देते हो, ठीक है। उससे भी मतलब ये कि अगर आप ये चाह रहे हो कि आपको डायग्नोसिस वगैरह आपका ठीक है तो आपने मेडिसिन वही देनी है जो कि उस बीमारी के लिए यूज हो रही है, सही तरह से आप मेडिसिन मेडिकेशन वगैरह दो। और ये कि एक डॉक्टर जो है अपनी भी सेल्फ केयर का ख्याल रखे कि बेसिकली आप ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर को खुद आजकल कोरोना है और वो चला जाए हॉस्पिटल पेशेंट्स को ठीक करना, आप खुद ही बताओ कि कितना वो पागल डॉक्टर होगा जो इस तरह करेगा, ठीक है। अब उसमें यही है कि आप बेसिकली जब भी प्रैक्टिस वगैरह करो तो आप वो एथिकली बिहेव करो पेशेंट्स के साथ, कि आपने हर पेशेंट को जो है उसका फायदा देखना और उसके हार्म मिनिमाइज करना उसका, ठीक है। अब इसमें पेशेंट सेफ्टी जो है उसमें ये है कि जिस तरह आप अगर कहीं पे जा रहे हो किसी हॉस्पिटल या क्लिनिकल सेटिंग में तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप मुझसे जाके पूछो कि आपने पेशेंट सेफ्टी के लिए क्या क्या आपने इकदाम किए हुए हैं, या आप लोग जो है इसमें आप ओवरऑल देखो कि मतलब उस आप जिस भी सिस्टम में काम करने जा रहे हो कि वहाँ पे उन्होंने कोई ऐसी चीजें की हुई है, कोई ऐसे स्टेप्स लिए हुए कि जिससे पेशेंट सेफ्टी को जो है वो लोग वो बना रहे हो कि पेशेंट सेफ्टी को उन्होंने
इम्पोर्टेंस दी हो और ये मिनिमाइज किया हो काम, ठीक है। आज आज ये बेसिकली ये चीजें थी जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले पढ़ी भी होगी, लाइक जिन्होंने स्पेशली पेशेंट सेफ्टी वन पढ़ा हुआ है उन लोगों ने पढ़ा होगा। ये लेक्चर देने का मकसद ये था, आप तो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगी स्पेशली उन लोगों से जो कि हैंड नहीं रेज कर रहे, क्योंकि मैं देखती हूँ साथ साथ कौन हैंड रेज कर रहे और कौन, ठीक है। और सेकेंडली ये कि फिर हम नेक्स्ट लेक्चर अपना पढ़ेंगे। जी बेटा जी, मैम एक क्वेश्चन था। अच्छा जी जी बताओ। आपने एम्पथी की बात की है अभी के पेशेंट के लिए एम्पथी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ सिंपथी, जैसे हमने बिहेवियरल साइंसेज में भी पढ़ा था। तो मैम अगर आपको पेशेंट पूरी डिटेल बताना शुरू हो जाए, लाइक उसको के वो इमोशनली आपको अपनी उस मेडिकल ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व कर ले, तो उससे फिर सिंपथी नहीं आएगी इंस्टेड ऑफ एम्पथी। तो इज इट नेसेसरी कि हम एज अ जिस तरह साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट पूरी हिस्ट्री सुनते हैं, हमें वैसे सुनना जरूरी है या हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं? Like, आप एज अ डॉक्टर ही क्वेश्चन कर रही होगी जिस तरह हम डॉक्टर है, ठीक है, आप ही कह रही हो कि हम उससे पूरी चीजें ना पूछो, ये कह रही हो आप? यस मैम, कि जिस तरह साइकियाट्रिस्ट को तो होता है ना कि साइकियाट्रिस्ट ने तो ए टू जेड पूरी डिटेल पूछनी होती है, लेकिन हमारी फील्ड न्यूट्रिशनिस्ट की है तो हमें उस चीज को इन्वॉल्व करना जरूरी है या हम लोग सिर्फ अपने प्रोफेशन से कंसर्न चीजें ही पूछे फॉर द सेक ऑफ एम्पैथी? उसमें बेटा ये है कि बेसिकली देखो हर पेशेंट को सब कुछ बताता भी नहीं है, ठीक है, वो बेसिकली पेशेंट के इसमें आप ना पेशेंट को मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो दे दो, लेवरेज दे दो, कि मतलब आप ये देखो कि वो पेशेंट अपने बारे में आपको क्या क्या बताना चाहते हैं। देखो अगर तो एक पेशेंट बताना चाह रहा है अपने बारे में ज्यादा, तो ऑब्वियसली आप रोक नहीं सकते उसको कि नहीं नहीं बस कर दो, अब मैं इससे ज्यादा नहीं सुनूंगी। ये अब आपने पेशेंट को ये थोड़ा सा राइट दे दो कि मतलब क्या वो क्या चाह रहे हैं, लाइक वो अगर आपको ज्यादा डिटेल्स बताना चाह रहे हैं तो बेशक सुन लो, लेकिन ये है कि चलो आप यही कर सकते हो कि जिस तरह आप लोग न्यूट्रिशनिस्ट हो, तो ये है कि आप अपना जो जिसका आप वो आपके पास जिस कंसर्न से आया है कि अगर वो ये चाह रहा है आप उसका अच्छा डाइट प्लान बना दो या कुछ इस तरह, तो ऑब्वियसली आप अपने प्रोफेशन में ज्यादा अच्छे तरीके से वो करो उसको, मतलब जब आप उसको चेक कर रही हो या आप उसको कुछ बना के दे रही हो या जो भी आपका उसका जो आपसे मकसद है ना वो यहाँ से अगर निकले आपके पास से तो सेटिस्फाइड निकले, ये मेन चीज है कि कोई भी पेशेंट आपके पास आके निकले तो ये ना कहे कि जी देखिए इस डॉक्टर ने मेरी बात नहीं सुनी है, ये डॉक्टर बहुत रूड है, ठीक है। आपने इस तरह से हर पेशेंट से बिहेव करना है कि वो खुश देखते हैं, जिस तरह हमारे लोगों का आपको पता है कितनी आदत है कि वो बहुत ज्यादा ऐसे देखते हैं कि डॉक्टर ने हमारी बात सुनी थी या नहीं सुनी। हाँ जी यस मैम, सुन लेनी चाहिए, वो अपने बता भी सकते हैं कि मुझे इस चीज से एलर्जी थी, मेरे दूसरी डॉक्टर ने भी सुनी, वो उसकी सुनेंगे तो हमें और हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई इसको मैं बेसिकली ये आपने पेशेंट पे ये पेशेंट पे छोड़ देना है कि वो आपको जितना भी बताना चाहता है ना आप सुन लो, मतलब उसमें ये नहीं आप, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो पेशेंट जो है अगर वो पेशेंट नहीं आप देखो, वैसे मैं अगर सच बताऊं कि अगर एक पेशेंट न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाता है ना तो वो उसको वैसे भी सारा कुछ नहीं बताता, इतना तो लोगों में खुद भी सेंस होती है, वो मतलब एक न्यूट्रिशनिस्ट को मेरा नहीं ख्याल अपना सारा कुछ बताना शुरू कर देगा कि मतलब ये वो उससे उससे रिलेटेड ही बात करेगा, लेकिन अगर वो बता रहे हैं तो सुन लो बेटा, क्योंकि ये बात है कि वो फिर ये ना निकलते हुए ये ना कहे कि इस डॉक्टर ने मुझे सही तरह से टाइम नहीं दिया, ठीक है। यस मैम, हिस्ट्री ले लेनी चाहिए, लेकिन एम्पथी रखो, क्योंकि देखो अगर आप खुद भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप ये नहीं चाह रहे होते कि डॉक्टर आपको किसी भी स्टेज पे ही कहे कि नहीं नहीं आप कितना ज्यादा ना बताओ मुझे, ठीक है। चलो चलो, अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले तो आप लोगों से सुनूंगी, ये वैसे इतना मुश्किल था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही था, लाइक इसमें कोई ऐसा आप सेंड कर देना मैम, एलएमएस पे अपलोड करेंगे जी मैम, सेंड करेंगे एलएमएस पे अपलोड करेंगे, मैं आप लोगों को एलएमएस पे अपलोड करूंगी और साथ वीडियो भी शेयर कर इससे ये रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगी, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो समझ आ गई है ना, आज को वैसे लेक्चर में इतनी कोई समझने वाली बात नहीं थी, yes, ma'am. लेकिन चलो इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही था, लेकिन मैं कर दूंगी और अटेंडेंस भी लगा दूंगी, ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, अब नेक्स्ट टाइम इसी टाइम में क्लास होगी, ठीक है मैम। फ्राइडे को भी क्लास है मैम, ट्यूसडे को ही होगी। फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे को तो नहीं है क्लास, सिर्फ ट्यूसडे को होती है। चलो ओके बेटा, ओके अल्लाह हाफिज़। Love is man. Love is man. Love is man. Love is man.